निरीक्षक ने राशन के चावल से भरा ट्रक पकड़ा। दो दिन के बाद ट्रक चालक व ट्रक स्वामी के खिलाफ कार्यवाही की गई। मथुरा के कस्बा राया में गरीबों के हक पर डाका डालकर सरकारी राशन के चावल को लेकर जा रही गाड़ी को पूर्ति निरीक्षक महावर ने यमुना एक्सप्रेसवे से पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सरकारी राशन के चावल से भरी गाड़ी को शनिवार देर रात्रि को पूर्ति निरीक्षक महावर ने यमुना एक्सप्रेसवे पर पकड़ लिया, जिसमें सरकारी सस्ते गल्ले का राशन के चावल बोरे में भरे हुए थे, जो कि सादाबाद से दिल्ली जा रहा था। पूर्ति निरीक्षक द्वारा ड्राइवर से गाड़ी के दस्तावेज सहित माल से संबंधित कागजात दिखाने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगा। इस दौरान एमएलसी के चुनाव की व्यवस्था होने के कारण पूर्ति निरीक्षक गौरव माहेश्वरी उक्त गाड़ी से राशन को आरएफसी गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया और दूसरे दिन जांच करने पर पूर्ति निरीक्षक गौरव माहेश्वरी ने बताया गाड़ी को खुलवाकर माल को चेक किया गया, जिसमें कुछ सरकारी माल बरामद हुआ है, जिसके लिए उप जिलाधिकारी महावन को जांच रिपोर्ट सौंप गाड़ी में लदे माल को गोदाम पर सुपुर्दगी देते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई है। वहीं चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। ये क्या नाम है, कहाँ की निवासी है? दाऊद की निवासी है। अच्छा, ये इस गाड़ी में कहाँ से आए हो, क्या लेके जा रहे थे? कहाँ से ला रहे थे? कहाँ ले जा रहे थे? अच्छा, जो आज वो गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, कहाँ खड़ी हुई है और किसने पकड़ी थी? पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी हुई है, अधिकारी साहब आए थे एक कार में। अच्छा, उन्होंने रोकी। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे गाड़ी बंद होगी कार में। अच्छा, यहाँ खड़ी। कब पकड़ी थी गाड़ी? रात को। कल रात को? तो अभी तक आपके पास अधिकारी वगैरह कोई नहीं आएगा? क्या मामला है, इसमें क्या लेके जा रहे हैं? ये अनुचित तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मेरा माल बिल पत्ते के संग में था, इसका बिल नंबर 70/28/11/20, इसके धर्मकांडा की पत्ती, गिनती, बिल, बीजक सब साथ में है, फिर भी अनुचित तरीके से इसे रोका गया है। किन किन लोगों द्वारा रोका गया है? सप्लाई इंस्पेक्टर और कुछ अनुचित लोग, अवांछित तत्व उनके द्वारा। सर, कोई आपसे कोई डिमांड की गई थी इन लोगों के द्वारा? अनुचित तरीके से पैसे की डिमांड की जा रही है। अच्छा, उसके बाद आपने अधिकारियों को नहीं बताया? मैंने अभी नहीं बताया है। तो अब ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं गाड़ी पे? अभी गाड़ी की एफआईआर करने की तैयारी में है और ये सिद्ध कर रहे हैं कि एफपीडीएस का माल है, जबकि प्रत्यक्ष से आप लोग खड़े हो, सारे सारे आलू के कट्टे हैं, 70 किलो की भर्ती है सारी, किस आधार पर ये कह रहे हैं? क्या एक कोई फॉर्मूला है तो मुझे बता दें कि ये दो मुट्ठी में चावल मैं दे रहा हूँ, मुझे बता दें ये पीडीएस का चावल है और ये बिना पीडीएस का है? क्या इसी तरह गेहूँ भी सिद्ध कर सकते हैं ये लोग कि गेहूँ नीले रंग का गेहूँ, ये पीडीएस का पीले रंग का वो है? बता दें, क्योंकि चावल पे सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए चावल को रोक रहे हैं, गेहूँ नहीं रोक के दिखा रहे हैं ये लोग। तो पैसे की डिमांड की थी? पैसे की अनुचित कार्रवाई है, पैसे की पूर्ति नहीं करोगे तो यही होगा, पैसे की पूर्ति कर दो गाड़ी छूट जाएगी। सर बताएं, जो कालाबाजारी के लिए चावल जा रहा था, कहाँ से पकड़ा है और क्या कार्रवाई चल रही है? ये राया कट के समीप राया फाटक पर राशन का चावल पकड़ा था रात्रि के समय, जिसके दृष्टिगत हमने उसको रात्रि में जांच नहीं हो पाई थी, रात्रि में रात्रि अधिक होने के कारण, तो स्वयं में सही टीम द्वारा गठित की गई टीम, उसकी जांच की गई, जांच में आपके समक्ष सारी जाँचें हुई हैं, उसमें सरकारी कट्टे पाए गए हैं, उसमें कुछ अंश गेहूँ का भी पाया गया है, साथ में सिलाई भी पाई गई है, जिससे प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किए जाने वाला चावल था। तो सर उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? उसमें घर सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट तैयार करा दी गई है, कुछ अधिकारी का आदेश मिलते ही सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। मथुरा के कस्बा राया में एमएलसी चुनाव